और इस वक्त एक बहुत दुखद खबर मिल रही है। मशहूर संगीतकार गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। पीटीआई के मुताबिक मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन। बप्पी लहरी ने 80 और 90 के दशक में कई हिट संगीत दिए और कई हिट गाने भी गाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है। उनका असली नाम अलोकेश लहरी है और बप्पी लहरी अपने म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाने जाते हैं। लेकिन आज ये दुखद खबर मिल रही है कि मुंबई के एक अस्पताल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली। 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बॉलीवुड में शोक की लहर। कई हिट गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। मुंबई से हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, बेहद दुखद खबर, बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल मलिका, बेहद दुखद खबर सामने आई है। कुछ ही दिन पहले हमने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को खोया था और वैसे ही अब जो है बप्पी लहरी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी तक दुखद कारण जो है वो नहीं पता चल पाया है कि क्या हुआ था, मगर अभी के लिए कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य जो है वो खराब चल रहा था, जिसकी वजह से उनको मुंबई के जुहू इलाके के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था। उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि रात को 10-11 के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और फिर वो हम सबको छोड़ के चले गए। ये जानकारी जो है अभी सामने आई है। इसके अलावा परिवार की ओर से किसी से बात नहीं हो पाई है, ना ही कोई कुछ बताने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बड़ा झटका है। देश के लिए हम बात करें या परिवार के लिए बात करें, ऐसे कितने ही गाने हैं जिसपे अभी भी जो है लोग थिरकते हैं। बप्पी दा के गाने जो है अभी भी गाए जाते हैं, अभी भी सुने जाते हैं। तो इस वक्त जो है बेहद ही पूरा देश शोक में है। परिवार जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है और जो उनके फैंस है वो बिल्कुल जो है वो हताश हो चुके हैं।